से नंद प्रत्यय करने के बाद यज्ञ शब्द बनता है। एक व्याकरण का सूत्र है अस्तो अस्तना अस्तो स्थान में यह हो जाता है और व्याकरण का ही सूत्र यजकार और यज्ञ बन जाता है, इससे यज्ञ शब्द बनता है। यज्ञ शब्द जो है अनेक अर्थों में होते हैं। यज्ञ से क्योंकि यज्ञात बहुत पर्जन्य पर्जन्या दल जब यज्ञ होता यज्ञ होगा तो इंद्र महाराज सुवृष्टि बरसाएंगे और उस सुवृष्टि से सबका आदान प्रदान होगा, धन धान का जो है प्राप्ति होगा। और यज्ञ शब्द जो है परोपकार अर्थ में होता है। यज्ञ जो है मकराओं का यज्ञ जो है अपने आप में अनोखा यज्ञ है। मैंने यहाँ दो ही यज्ञ दो ही होता है और आए गए अतिथियों का आप सेवा करना, भोजन कराना, पानी पिलाना है, क्योंकि आराधनानाम सर्वेशम विष्णु और आराधनम परम तस्मात परतरम देवी नदी आराधनम परम। हमारे संप्रदाय में विशेषकर श्री संप्रदाय में आराधनानाम समृत सर्वेशम जितने देवता हैं उन देवताओं के आराधन में श्रेष्ठ हुए भगवान नारायण का अवतार है। आराधनानाम सर्वेशम विष्णु और आराधनम परम भगवान नारायण का ही आराधना सर्वश्रेष्ठ है। और आराधनानाम सर्वेशम विष्णु और आराधन परम तस्मात परतरम देवी उसे भी सुलभ क्या है, मैंने लक्ष्मी जी का जो है ऐसे चरण में गिर जाना, ऐसे शरणागति करना, उनके आशीर्वाद प्राप्त करना, आराधनानाम सर्वेशम विष्णु और आराधन परम तस्मात परतरम देवी मैंने भगवान से अधिक कृपा जो है जिस तरह पिता की अपेक्षा माँ अधिक कृपा करती है उसी तरह भगवान नारायण की अपेक्षा है लक्ष्मी विशेष कृपा करती हैं, विशेष पुत्रों पर जीवों पर कृपा करती हैं। आराधनानाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम तस्मात परतर देवी उससे परतर क्या है मैंने आराधना है लक्ष्मी का जो है सेवा करना और तदी आराधनम परम हम लोगों में सबसे श्रेष्ठतर क्या है कि तदी आराधन करना कराना है नहीं भोजन कराना आए गए अतिथियों का जो है सेवा करना है जल पानी पुनः पिलाना यही जो है यज्ञ का मुख्य है उद्देश्य है जन कल्याण के लिए है और सबका उद्धार के लिए और धर्म से जुड़े। और यह मकराव का यज्ञ जो है एक अपने आप में अनोखा है। मैंने कहीं से भी इन लोगों ने त्रुटि नहीं किया और अधिक से अधिक यहाँ अनेक जगत गुरु जैसे हमारे विद्या भास्कर जी महाराज गुरु विद्या भास्कर जी महाराज आ गए इस यज्ञ में और हमारे जगत गुरु त्रिनंदी गोपालाचार्य जी महाराज दिल्ली से पधार गए, खीर स्वामी भी पधार गए, अनेक अनेक बहुत संत महात्मा जो है कुछ तो आग्रह के बाद और कुछ ऐसे भी महात्मा लोग ऐसे संत लोग विद्वान लोग बिना बुलाए भी इसे यज्ञ में आ गए। इसलिए महिलाओं का यज्ञ है एक अपने आप में है, एक अद्भुत है, एक अलौकिक है, एक अनोखा है।